अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दाल मखनी की रेसिपी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम खड़े मसूर की दाल ली है, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, 1 अदद हरी मिर्च है जो मैंने काट ली है, 1 प्याली पुदीना है, 1 अदद टमाटर है, मक्खन 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हम दाल लेंगे और इसको हम पैन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने दाल के साथ 2 ग्लास पानी डाला है। अगर आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग 1 ग्लास पानी डालिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और उसमें उबाल आने के बाद इसको लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। पर दाल देखिए अच्छे से कुक हो चुकी है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था तो हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। साथ में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें, पुदीना और मक्खन ऐड कर दूंगी मैं इसमें साथ में। मक्खन की क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है क्योंकि अब हम इसमें बघार लगाएंगे। यहाँ पर मैं लहसुन और ज़ीरे का बघार लगाऊंगी। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं ज़ीरा ऐड करूँगी क्योंकि ज़ीरा जल्दी कुक हो जाता है, इस वजह से हम ज़ीरा बाद में ऐड करेंगे। यहाँ बघार तैयार हो चुका है और मज़ेदार दाल मखनी तैयार है। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। फ्रेश क्रीम डालने से इसमें दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मज़ेदार दाल मखनी तैयार है। इसे आप फ्राइड मिर्चों के साथ सर्व करें और इस फ्राइड मिर्चों की रेसिपी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिलेगी। और दाल मखनी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।